गाने और इसके कई डायलॉग्स लोगों के बीच आज भी काफ़ी मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी की शोले 1975 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे। अहम भूमिकाओं में ये नजर आए थे। बॉलीवुड की ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के गाने और इसके कई डायलॉग लोगों के बीच आज भी काफ़ी मशहूर है। तो आइए फिल्म शोले के 45 वर्ष पूरे होने पर आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। वीरू नहीं ठाकुर बनना चाहते थे धर्मेंद्र। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म शोले में धर्मेंद्र शुरुआत में ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आखिर में वीरू को ही लड़की मिलती है तो इस किरदार को करने के लिए वह तैयार हो गए थे। फिल्म के लिए अमिताभ नहीं थे पहली पसंद। जी हाँ, आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये सही है कि फिल्म शोले में जय का यादगार किरदार करने वाले अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ ये दोस्ती शत्रुघ्न सिन्हा को निभानी थी, लेकिन बाद में ये रोल अमिताभ बच्चन को दिया गया। इस थिएटर में 5 सालों तक चली थी ये फिल्म। जी हाँ, फिल्म शोले पहली भारतीय फिल्म थी जिसने भारत के 100 से ज़्यादा सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली मनाई थी। वहीं ये फिल्म मुंबई के मिनर्वा सिनेमा घर में पूरे 5 साल तक चली थी। फिल्म को मिला था सिर्फ एक अवार्ड। जी हाँ, जहाँ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और आज भी इसे क्लासिक सिनेमा माना जाता है, पर फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को महज एक ही पुरस्कार मिला था और वह भी मिला था सिर्फ एडिटिंग के लिए। रामगढ़ में नहीं, यहाँ हुई थी फिल्म की शूटिंग। जी हाँ, फिल्म शोले की शूटिंग रामनगर में नहीं हुई थी, जो बेंगलुरु के 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ बने पहाड़ों को आज भी शोले की चट्टाने कहा जाता है। सिर्फ एक डायलॉग से छा गया था सांबा। जी हाँ, इस फिल्म में सांबा का किरदार निभाने वाले एक्टर मैक मोहन का इस पूरी फिल्म में बस एक ही डायलॉग था, पूरे 50,000। लेकिन कई फिल्मों में नजर आने के बाद भी लोग उन्हें सांबा के नाम से ही जानते थे। 10 मई 2010 को मैक मोहन का निधन हो गया था। उन्हें कैंसर था और लंबे समय के इलाज के बाद उनकी जान चली गई थी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।